Dear students of class 6, I am starting your new chapter number 11, algebra of your math book. I am continuing my lecture on your chapter number 11, algebra of your math book. Last lecture में हमने 11.1 करी थी, आज मैं आपको 11.2 एक्सरसाइज करा रही हूँ. अपना होमवर्क वगैरह रेगुलर सबमिट करो, उसकी मार्क्स वगैरह ऐड होने हैं. ओके, 11.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल, एक्सप्रेस द पेरिमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है. ठीक है, द ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इज सेड टू बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दे रखा है आपको, एल दे रखा है. ठीक है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एल, और आपको पेरीमीटर दिखाना है इन टर्म्स ऑफ एल. तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड. ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री, जो सम ऑफ द लेंथ होता है, सम ऑफ द लेंथ इज नोन एज पेरीमीटर. अब तीनों साइड अगर एल 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 है तो पेरीमीटर क्या हो गया, या एस 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 है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 3 × साइड, या फिर आप एस प्लस एस प्लस एस भी लिख सकते हो. ठीक है, सेम चीज आएगी. तो एस की जगह क्या पुट कर दिया आपने, एल, क्योंकि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको एल गिवन है, तो 3L आपका आंसर हो गया. तो पेरिमीटर इज शोन इन टर्म्स ऑफ एल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक हेक्सागन दे रखा है, रेगुलर हेक्सागन, उसकी साइड है एल. ठीक है, फिगर इज ऑल्सो ड्रॉन इन द एज ए फिगर नंबर 11.10, फाइंड द पेरिमीटर. अब मैंने बता ही दिया कि पेरिमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स. ठीक है, सम ऑफ द बाउंड्री लाइंस. तो साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन क्या दे रखा है, एल दे रखा है, और पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड. अगर रेगुलर है, रेगुलर मतलब ऑल साइड्स इक्वल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तीनों साइड अगर मेरी इक्वल है तो उसका, उस हेक्सागन का पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, 6 × साइड, और साइड आपको एल दे रखी है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, एस की जगह एल कर दोगे, 6 × L 6 है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मैं हिंट दे रही हूँ इसी टाइप से. ये एक क्यूब है, 3-डायमेंशनल फिगर, जिसकी 6 फेसेस हैं और सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, मतलब स्क्वायर फेसेस हैं. ठीक है, क्यूब के अंदर सारे फेसेस आपके स्क्वायर फेसेस होते हैं. ठीक है, क्यूब के अंदर सारे फेसेस आपके स्क्वायर फेसेस होते हैं, और जबकि क्यूबॉइड के अंदर सारे फेसेस आपके रेक्टेंगुलर होते हैं. जैसे आप मैच बॉक्स देखते हो ना, माचिस की डब्बी, वो क्यूबॉइड शेप की होती है, उनमें सारे फेसेस आपके रेक्टेंगुलर है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, रूबिक क्यूब से आप खेलते होगे, एक सारे कलर वाले जो स्क्वायर है वो एक ही साइड लाने होते हैं ना, तो रूबिक क्यूब से खेलते होगे तो वो एक क्यूब है आपका, जिसमें ऑल साइड्स आपकी इक्वल है, सारे फेसेस आपके स्क्वायर है. जब सारे फेसेस स्क्वायर होंगे, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो इट मींस ऑल द एजेस आर इक्वल. तो आपको इसमें क्यूब की का पेरीमीटर निकालना है, अगर आपको साइड एल दे रखी है तो. ठीक है, आपको लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब एल दे रखी है, टोटल एजेस जो होती हैं इसकी, टोटल एजेस ऑफ द क्यूब जो होती हैं वो होती हैं आपकी 12. ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए क्या करोगे, 12 × 12 कर दोगे, तो 12L आपका क्या आ जाएगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा, मतलब पेरीमीटर आ जाएगा. ठीक है, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन एज L, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस, टोटल लेंथ ऑफ द एजेस क्या आ जाएगी, टोटल एजेस इतनी है, तो टोटल लेंथ ऑफ द एजेस क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ द एजेस का मतलब पेरीमीटर. ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द एजेस क्या हो गया, 12 × L, दैट इज 12L. तो टोटल एजेस 12 होती है, सबकी लेंथ LL है, तो टोटल लेंथ ऑफ द एजेस क्या हो गया, 12L. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक सर्कल बना हुआ है, इसका सेंटर C है, सेंटर में से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर. द लाइन दैट पासिस थ्रू सेंटर इज सेड टू बी डायमीटर. अब आपको डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर. ठीक है, रेडियस आर है, आर क्या होती है, सेंटर को एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं. ये भी सेंटर से एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर रही, ये भी सेंटर से
पॉइंट ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर लिया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी क्या है आपका डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया, आर ये है, आर ये है, तो मतलब जो डायमीटर होता है इट इज डबल ऑफ रेडियस, और यू में से आर प्लस आर भी लिख सकते हो, और यू में से डबल ऑफ रेडियस, आर ये है, आर ये है, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज टू आर डबल ऑफ रेडियस। अब इस एक्सरसाइज को करके और सेंड कर देना, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है आपकी। लास्ट क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेंशन है, ठीक है, उसको इस तरह से ही कर लेना। मैं फिर भी एक बार आपको हिंट दे देती हूँ उसको किस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी तीन नंबर है आपके, ठीक है, उनका अगर हम ऑर्डर चेंज करके उसको एडअप करेंगे तो उसके सम के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इसको आपको जनरल फॉर्म देनी है, जैसे इन्होंने तीन नंबर ले रखे हैं आपके, आपके तीन नंबर जो लिए हुए हैं वो लिए हुए 14, 27, 30। आप पहले 14 और 27 को ऐड कर दो और फिर उसके अंदर 13 को ऐड कर दो, या फिर दूसरी बार इन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि पहले आप 27 और 13 को ऐड कर दो और फिर जो आए उसके अंदर 14 को ऐड कर दो। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जब यह है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है, दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म देना चाहें, कोई भी तीन नंबर है मेरे पास, जनरल फॉर्म देना चाहे तो हम किस तरह से देंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन जनरल फॉर्म टेकिंग नंबर ए बी सी। तो अब अगर आप ए बी सी लेके आप इन दोनों को ऐड करके ये ऐड करके देखना, इन दोनों को ऐड करके ये ऐड करके देखना, आपका आंसर सेम आएगा। कोई भी तीन नंबर ले लो, उनका ऑर्डर चेंज कर लो, कोई भी तीन नंबर पे अप्लाई कर देना। तो जनरल फॉर्म क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी। इफ यू टेक थ्री नंबर ए बी सी देन यू मे राइट एज ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी को पहले ऐड करके उसमें ए ऐड करें, या ए और बी को ऐड करके उसमें सी ऐड करें, द आंसर इज सेम। तो इस तरह से आप कोई भी तीन नंबर ए बी सी कैन एनी थ्री नंबर्स, एनी थ्री होल नंबर्स, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज ट्रू। ओके, इस तरह से आप अदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे होल नंबर की अदर प्रॉपर्टीज हो जाती हैं आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उनको भी ए बी सी की टर्म में आप लिख कर देख सकते हो। ठीक है, तो ये जनरल सा क्वेश्चन वैसे ही बोला हुआ है, ठीक है, तो कभी भी आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है तो आपने जनरल नेम लेने होते हैं ए बी सी, और उसको इस तरह से प्रॉपर्टी